अब आज जो हालात आए, सारे लोग, सारे उलमा, सारे लोग फिक्रमंद हैं, मुतवज्जे हैं कि अल्लाह की तरफ से साहब कोई मदद उतरे, अल्लाह की तरफ से कोई रहमत उतरे, अल्लाह की तरफ से गजब हटे। लेकिन जरा हम अपने कस्बे का जायजा लें, जो नौजवान हैं उनके साथ बैठे सर्वे करें, कॉलेज जाने वाले बच्चों का जरा जायजा लें, और जो हमारे साथ मुलाजमीन हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं या और भी जिस जिस प्रोफेशन में है, जरा उनका जायजा लें तो ये पता चल जाएगा कि नौजवानों का 60% में बहुत बढ़ा के कह रहा हूँ, या आपको बुरा ना लगे, 60-70% नौजवान ऐसा है, वो बच्चे हो या बच्चियां हो, वो रोजा नहीं रखते। जब ये खुद मुर्तद और इनका खून हलाल हो गया, इनका खून हलाल हो गया शरीयत की रोशनी में, फिर अल्लाह की तरफ से जब जालिम हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे, फिर अल्लाह की तरफ से जब जालिम बादशाह और जालिम सीएम और पीएम साहब मुसल्लत किए जाएंगे, और फिर जब वो हमको हमारे करतूत का मजा चखाएंगे, ये साहब चिल्लाने और चीखने से कुछ नहीं हो। अल्लाह के गजब को हमने भड़काया, रमजान के तकद्दस को हमने पामाल किया, पर्दे लटका लटका के अल्लाह के हुक्म के साथ मजाक हमने उड़ाया, हमारी कम्युनिटी ने उड़ाया, हमारे बच्चों ने उड़ाया, अपनी पर्सनालिटी को साहब वो सिक्योर करने के लिए और उसको प्रोमोट करने के लिए और उसको अच्छा बनाने के लिए अल्लाह की शरीयत और कुरान की आयात के साथ मजाक हमने उड़ाया। तो साहब जब हमने मजाक उड़ाया, हमने अल्लाह के गजब को भड़काया, अल्लाह के कहम को दावत दी, अल्लाह के हुक्म के तकद्दस को पामाल किया, तो इसकी सजा क्या कोई खैर भुगतेगा? ये बहुत ज्यादा फिक्र की बात है। जो यहां नौजवान बैठे हैं ये खुद तय करें, और जो मैंने बताया है ये जाके लोगों को बताएं, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने जो भी रिलेटिव हैं, अजीज हैं, करीब हैं, रिश्तेदार हैं, वो घर इंतहाई बदबख्ती का शिकार है, वो घर इंतहाई अल्लाह की तरफ से हक्कार का मुस्तहिक है। इस घर की माए और बहने अपने बच्चों के साथ जो रोजे के काबिल है, रोजे के टाइम पे उन्हें खाना दें, उन्हें चाय दें, उन्हें नाश्ता दें, उनके खान पान का इंतजाम करें, वो भी इस अजाब के अंदर शामिल। क्या हो गया सर? एक मुसलमान से क्या इस बात का तसव्वुर किया जा सकता था कि वो कुरान की आयत का मजाक उड़ाए? एक मुसलमान से साहब अगर कोई अभी कुरान के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन कर दे, कोई एक बात कह दे, कोई एक सेंटेंस लिख दे, तो साहब पूरा समाज आग पटोला हो जाए, पूरे नौजवान साहब कपड़े फाड़ के वो सड़क पर उतर आएंगे, मैदान में उतर आएंगे। इस आप कुरान के खिलाफ यह आवाज क्यों लगाई गई? कुरान के खिलाफ यह आवाज क्या हमारी एक्टिविटीज कुरान के खिलाफ, कुरान की आयत से मजाक नहीं कर रही? क्या हमारे ये अमल अल्लाह के गजब को दावत नहीं दे रहे? फिर साहब हम अपने खिलाफ क्यों नहीं ऑब्जेक्शन करते? अपने ऊपर क्यों अल्लाह के हुक्म का, अल्लाह के कमांडमेंट का इंप्लीमेंट नहीं करते? इसलिए मेरे अजीजों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये खूब अच्छी तरह याद रखा जाए कि रमजान जहां फजीलत का, बरकत का, रहमत का, मगफिरत का, अल्लाह की तरफ से दादो दहिश का, अल्लाह की तरफ से इनामात का, अल्लाह की तरफ से नवाजिशात का, अल्लाह की तरफ से अतियात का महीना है, अगर हमने इसके तकद्दस को, उसके तकद्दस को, उसकी आजमत को अपनी सराहों में रखा, रमजान जिस तरह गुजारना चाहिए, फरमाया इमान का एक जगह फरमाया, जो आदमी रोजा रखे और सब्र करे, भूख लगेगी उस पर सब्र करे, प्यास लगेगी उस पर सब्र करे, अपनी ख्वाहिशात पे काबू और कंट्रोल करे, अपनी आंख को गलत इस्तेमाल से रोके और बचाए, अपनी जब
दीजिए वो कलिमा, पहला कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या है पहला कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्अलुकल जन्ना व अऊजु बिका मिनन नार। साहब हम कारोबार में हैं, हम ठेले पर हैं, हम रिक्शा चला रहे हैं, हम ऑफिस में हैं, हम अपने साथ केबिन में हैं, अपने चैम्बर में हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि जो वक्त हमारे काम का हो काम में लगे, उसमें कोई खयानत नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा जो भी चलते फिरते उठते बैठते हम ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्ना व अऊजु बिका मिनन नार, हमारी माएं बहनें झाड़ू देते हुए, खाना पकाते हुए, कपड़ा धोते हुए, सेहरी बनाते हुए, इफ्तारी बनाते हुए और जो भी उनकी मसरूफियात हैं, उन मसरूफियात के साथ ये कहीं भी याद करें ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्ना व अऊजु बिका मिनन नार, इसका खूब एहतमाम करें। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई महबूब नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, इबादत के लायक एक अकेले अल्लाह है। दूसरे का मतलब हे अल्लाह मैं आपसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपसे अपने पापों पर तौबा करता हूँ, हे अल्लाह मैं आपसे अपनी लर्जिशों पर माफ़ी चाहता हूँ, ये कहते रहे। और के अस्अलुकल जन्ना, हे अल्लाह आप हमें जन्नत अता फरमाइए, मैं आपसे जन्नत का सवाल करता हूँ, मैं आपसे आपके नेमत खाने का सवाल करता हूँ, वाऊधु बिका मिनन नार, और हे अल्लाह दोज़ख की आग से हमें बचा लीजिए, दोज़ख के शोलों से हमें महफूज कर लीजिए, दोज़ख की सख्त सजाओं से हे अल्लाह हमें महफूज कर दीजिए। ये कलिमात की कसरत करनी चाहिए और साथ साथ आदमी को रोज़ा रखना, मैं कह रहा था कि रोज़े में जो भी भूख लगे, जो भी प्यास लगे, जो भी आदमी को मशक्कत आए उस पर ये समझे कि अल्लाह की तरफ से हमें बड़ा इनाम मिलेगा, अल्लाह की तरफ से हमारे गुनाह धुले जाएंगे, अल्लाह की तरफ से हमारे पाप धुले जाएंगे और सवाब की उम्मीद हो। अल्लाह की रहमत की हमें उम्मीद हो, आस हो कि हम गुनहगार जरूर हैं, पापी जरूर हैं और लफ्जों के पुतले हैं, लेकिन हमें अल्लाह की रहमत से उम्मीद है। वो अल्लाह तो ऐसा है जो एक कोई फाहिशा औरत है और सांप और कुत्ते को पानी पिला देती है, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़रत कर देता है, वो अल्लाह ऐसे माफ़ करने के लिए बहाने ढूंढता है। हमें अल्लाह की मग़फ़रत पर और अल्लाह की रहमत पर आस लगाकर, उम्मीद लगाकर हमें अपने इस महीने को गुजारना है। फरमाया जो आदमी इस तरीके से ईमान के साथ, एहतिसाब के साथ, इस्तिग़फ़ार के साथ, तौबा के साथ, नदामत के साथ, अल्लाह की माफ़ी के साथ, कुरान की तिलावत के साथ जो इंसान रमज़ान के महीने को गुजारेगा और तरावीह की नमाज में खड़ा होगा, अपने आप को थकाएगा, जब रमज़ान जा रहा होगा तो अल्लाह ताला इसको धुल देगा, साफ कर देगा और ये रमज़ान ख़त्म होते ही ये धुला धुलाया होगा। इसलिए मेरे आज़ीज़ दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि हम ये नियत करें कि हमें रोज़ा किसी हाल में नहीं छोड़ना है, ना किसी माँ बहन को छोड़ना है, ना किसी भाई और साथी को छोड़ना है, और इसकी कोशिश करना है कि हमारे घर में कोई बेरोज़ेदार न रहे, हमारा घर अल्लाह की तरफ से फटकार का मुस्तहिक न बने, इसकी भी पूरी कोशिश करना है, अपने बच्चों को कन्विंस करना है और समझाना है और इस पर आमादा करना है, और साथ ही साथ हमें अपना ये महीना अच्छे से गुजार के अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करना है। और रमज़ान जाते जाते अल्लाह का डर, अल्लाह का तक़वा, अल्लाह की खशियत हमें अपने दिलों के अंदर पैदा करना है। अल्लाह ताला हम सबको इस आने वाले मेहमान की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए, ईमान के साथ और इख्तिसाब के साथ रोज़ों के अहतमाम की तौफीक अता फरमाए और तौबा और इस्तिग़फ़ार के साथ अल्लाह हम सबको इस महीने तक पहुँचाए और इस महीने के अंदर भी उन आमाल की तौफीक अता फरमाए जिन आमाल के ज़रिए से अल्लाह ताला हमें रमज़ान ख़त्म होते होते धुला धुलाया हुआ अपने पापों से बना दे। अल्लाह ताला हमारी गुजारिशात को कबूल फरमाए और हम